नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए ख्वाब देख रहे थे, इसी दरमियान हंसने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों हंस रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के चंद लोग एक शख्स की वजह से खाना काबा पर चढ़ाई की नियत से निकलेंगे। वो शख्स हरम में पनाह गुजीन होगा। जब वो चटियल मैदान में होंगे तो इन्हें ज़मीन में धसा दिया जाएगा। इनके इरादे और तरीक़े मुख्तलिफ होंगे, मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको इनकी नियत के मुताबिक उठाएगा। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह इन्हें कैसे इनकी नियतों के मुताबिक उठाएगा जबकि इनके इरादे और तरीक़े मुख्तलिफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें एक रास्ता इकट्ठा करेगा। इनमें साहिब बसीरत होंगे, मुसाफिर होंगे, मजबूर और मजलूम होंगे, ये सब एक साथ हलाक हो जाएंगे। इनमें भले बुरे सब होंगे, मगर क़यामत के दिन ये अपनी नियतों के मुताबिक ही उठाए जाएंगे। रवाहो अहमद।